हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ की फिजिक्स पोर्शन, जो कि आपका साइंस में है, लेसन नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस लेसन में आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे बच्चों, उन न्यूमेरिकल्स को हम साथ के साथ इसमें करते जाएंगे। ठीक है, ये जो लेसन है आपका फिजिक्स का, एग्जाम के लिए आज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप सभी जानते होंगे। ठीक है, आपके घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं आप उनसे अवगत हैं। ठीक है, जो इसमें चार्ज फ्लो करता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ठीक है, तो हमारा आज का लेसन है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने लेसन को। देखिए, आज का जो हमारा लेसन हुआ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ में। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इट इज द प्रेजेंस ऑफ चार्ज। क्या है ये चार्ज की क्या है प्रेजेंस होती है, या फिर हम कहें इसे और फ्लो ऑफ चार्ज, या तो ये हम कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज होता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ चार्ज कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर या तो चार्ज फ्लो कर रहा है या उसमें चार्ज प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि उसमें क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो देखिए चार्ज है। ठीक है, चार्ज क्या होता है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। चार्ज, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सिंबल है जिससे हम इसको डिनोट कर रहे हैं वो होता है आपका क्यू। याद रखना, इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। देखिए, एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और जो प्रत्येक एलिमेंट्स होते हैं वो इन एटम से ही मिलकर बने होते हैं, जिनमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सेकंड है कि इट में बी पॉजिटिव प्लस होगा और नेगेटिव। देखिए, वो जो चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स कि अगर चार्ज प्लस प्लस होगा तो वो एक दूसरे को दूर धकेलेगा। ठीक है, वो रिपल करेगा, और माइनस माइनस रहेगा तो वो भी रिपल करेगा। यानी अगर अनलाइक चार्ज होगा, एक अगर पॉजिटिव है और एक अगर नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर अनलाइक चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्ज है तो वो एक दूसरे को अपने से दूर धकेलेंगे। ठीक है, अपोजिट नेचर के हो जाएंगे वो। ठीक है, अपोजिट साइड में जाएंगे, सॉरी। फोर्थ है कि इट्स ऐसा यूनिट इज कूलम। जिस प्रकार चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो इसकी एक ऐसा यूनिट होती है जिसे हम कूलम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि चार्ज को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे आपके कूलम। तो इसलिए आप आगे प्लस टू क्लास में पढ़ें कूलम्स लॉ। ठीक है, उसमें भी आप चार्ज के बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे। तो कूलम जो है उसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कुछ चार्ज के बारे में, फर्दर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए चार्ज, तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है। देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो एटम होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या है वो, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इन तीन वस्तुओं से मिलकर, तीन चीजों से मिलकर क्या होता है, आपका एक एटम बनता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो आपका नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर हम चार्ज की बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो वो जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, तो ये जो चार्ज है ये एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। अगर हम बात करें कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो चार्ज सेम ही होता है, लेकिन हमने करना क्या है, यहाँ पे माइनस की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम प्लस लिख देंगे तो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा, और अगर माइनस लिखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें कि वन कूलम के अंदर हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
तो वो होते हैं आपके 6.25 × 10⁻¹8। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो ये एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है बच्चों। तो उसमें पूछते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 1 कूलम के अंदर, ठीक है। एग्जाम में भी आ जाता है कई बार। तो ये वैल्यू कैसे हमने फाइंड आउट की, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक आइडेंटिटी होती है, वो देखिएगा। वो होती है आपकी Q = ME, ठीक है। क्यों हो गया आपका चार्ज, एन हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई हो गया आपका वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों। अगर हमने निकालना है कि 1 कूलम के अंदर क्या वैल्यू है, तो हम यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए Q = ME, ठीक है। तो कितना कितने में निकाला हमने, 1 कूलम में, यानी 1 कूलम में कितने हैं, तो n निकालने हैं। तो n e की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक है बच्चों, हम इसकी वैल्यू रखते हैं। अगर हमें n निकालना है तो ये जो होगा इसके अपॉन में आ जाएगा, तो इट विल बिकम 1 = 1.6 × 10⁻¹⁹। हम इसको सोल्व करेंगे। इसका पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर एक जीरो लगा देंगे और इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 16 है तो हम इसकी एक पावर और ऊपर लेते हैं 100, इसको हम 19 से 18 कर देते हैं, ठीक है। हमने एक पावर इसकी और ऊपर ऐड कर दी है। अब हम 100 को 16 से डिवाइड करते हैं, 100 अपॉन में 16। देखिए 16 सिक्स जा कितने होते हैं आपके 96, तो आपके 4 बच गए, 6 पर ये डिवाइड हुआ। फिर हम पॉइंट लगाकर यहां पे जीरो लेते हैं, 16 × 2 = 32, 8 बच गया हमारा। फिर हम एक जीरो लेते हैं 80, तो 16 × 5 = 80, तो हमारा आंसर आ गया 6.25, ठीक है। 6.25 × में, अब 10⁻¹⁸ था, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की 18 हो जाएगी, तो 10⁻¹⁸, ठीक है। तो यही वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। चार्ज के हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, ठीक है। यानी ये हमें बताएगा कि जब चार्ज रेस्ट के अंदर है तब क्या होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे चार्ज जब मोमेंट में होते हैं। देखिए जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमने पढ़ा होगा या हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ जनरल, एक छोटा सा, क्या कि हम कोई स्केल लेते हैं या कोई पैन लेते हैं और हम उसे अपने हेयर्स के अंदर रब करते हैं, ठीक है, रब करते हैं। तो फिर वो हम चेक करते हैं कि वो जो पेपर के छोटे छोटे पीस होते हैं वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है, ठीक है। जैसे देखिएगा कि मान लीजिए ये आपका स्केल है और आपने इसको रब किया, और फिर आप किसी छोटे छोटे पेपर के पास इसको लेकर जाएंगे तो वो छोटे छोटे पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अब इसके अंदर क्या आ गया, ये चार्ज आ गया। तो जो अपोजिट नेचर की कोई भी चीजें होंगी जिसके पास अपोजिट चार्ज होगा वो उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो चार्ज है हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये चार्ज रेस्ट में है, ठीक है। ये हम इसका मूवमेंट नहीं ला सकते, हम इससे कोई फैन नहीं चला सकते, ठीक है ना। तो ये चार्ज ज्यादा यूजफुल हमारे लिए नहीं है, तो ये हमारा चार्ज एट रेस्ट। अब हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जो चार्ज मोमेंट में होता है, ठीक है। तो हम लेकर चलते हैं कोई भी एक कंडक्टिंग वायर, ठीक है बच्चों। मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई भी कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। तो
कंडक्टिंग वायर इट मीन्स ये क्या है, मेटल है, और प्रत्येक मेटल मेटालिक वायर या कोई भी मेटालिक मेटेरियल्स है तो उसके सरफेस के अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फैन चल रहा है, तो फैन कब चल रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स उस वायर के अंदर से, स्विच जब हम ऑन करते हैं तो वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे और जो फैन के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर है उसको क्या करेंगे, वो रोटेट कराएंगे, ठीक है। वो उसको रोटेट कराएंगे तो हमारा फैन चल पड़ता है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे करंट क्या होता है, ठीक है। तो करंट देखिए, करंट इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। जब दिए हुए समय में या किसी भी टाइम जब चार्ज फ्लो करता है तो हम उसे कहते हैं करंट, ठीक है बच्चों। इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। देखिए मैंने बताया था आपके फैन चलते हैं, बल्ब ऑन होता है, आप टीवी चलाते हैं, ठीक है। आप कोई भी इलेक्ट्रिकल चीजें आप करते हैं, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल वस्तुएं आप यूज करते हैं तो उसके अंदर क्या लगता है, आपका चार्ज लगता है, ठीक है। तो चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम तो हम उसे बोलते हैं करंट, ठीक है। करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, ठीक है। और चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से, ठीक है। ये करंट का फार्मूला है बच्चों, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। मैथमेटिकल हम इसको लिख देते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। करंट की जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो होती है एम्पियर, और हम इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। देखिए सभी ऐसा यूनिट्स मैंने बहुत पहले वीडियो में कराई थी, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप वहां से जाके देखें, क्योंकि पूरी फिजिक्स में ऐसा यूनिट्स याद करना बहुत ही जरूरी है, और उसमें मैंने सभी ऐसा यूनिट्स आपको दी हुई है, तो आप वहां से लिंक को क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ऐसी यूनिट होती है एम्पियर, I is equal to Q by T। अगर हम इस फार्मूले से इसकी ऐसा यूनिट निकाले तो क्या बनेगी, देखिए चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम्ब, और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। तो इसकी जो दूसरी ऐसा यूनिट बनेगी बच्चों वो बन सकती है आपकी कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसकी दो ऐसा यूनिट है, लेकिन हम इसकी ऐसा यूनिट मानकर चलते हैं एम्पियर, ठीक है। अब करंट को मेजर किससे किया जाता है, ठीक है। तो करंट को मेजर करने का जो डिवाइस होता है उसे हम कहते हैं एमीटर, ठीक है। वो होता है आपका एमीटर। तो एमीटर क्या है कि इट इज ए डिवाइस, सॉरी हम इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, इट इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट। करंट को मेजर करने का जो डिवाइस होता है वो क्या होता है, आपका एमीटर होता है, ठीक है। अब देखिए जिस प्रकार हम दूरी किलोमीटर की जो छोटी यूनिट होती है मीटर में हम उनको लिखते हैं, उसी प्रकार करंट की जो ऐसे यूनिट है वो एम्पियर होती है। लेकिन अगर करंट बहुत ही कम मात्रा में हो तो उसकी यूनिट्स क्या रहेंगी, देखिए एक होती है हमारी मिली एमीटर, मिली सॉरी एम्पियर बोलेंगे हम उसको, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है बच्चों 10^-3 एम्पियर के। मिली एम्पियर को लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं हम स्मॉल एम कैपिटल ए, ये होता है आपका मिली एम्पियर। एक मिली एम्पियर में होता है आपका 10^-3 एम्पियर। अब अगर इससे भी छोटी अगर हम यूनिट की बात करें तो मैं यहां पे लिखता हूं, अगर इससे भी छोटी यूनिट हो तो वो हो गया आपकी माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब एक माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होती है, वो होती है आपकी 10^-6 एम्पियर। इससे छोटी आपकी हो जाएगी नैनोमीटर, ठीक है। फिर
फिर पिकोमीटर, लेकिन आपको 10th क्लास में सिर्फ माइक्रोमीटर तक ही आपका काम चल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब माइक्रोमीटर हम किस प्रकार लिखते हैं, माइक्रो एम्पियर किस प्रकार लिखते हैं सॉरी मीटर की बजाय, तो ये होता है आपका म्यू ए, ठीक है। इसे बोलते हैं म्यू, एम यू, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, म्यू म्यू ए, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10^-6 एम्पियर, ठीक है। अब हम एमिटर के बारे में कुछ और पॉइंट के ऊपर बच्चों डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो एमिटर आपका मैंने भी बताया कि ये करंट को मेजरिंग करने वाला डिवाइस है, तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम कि इट इज लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो ये जो डिवाइस है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है बच्चों, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, वैसे आपको बताऊं तो रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि किसी भी कंडक्टिव वायर के अंदर से जो करंट का फ्लो हो रहा है, तो अगर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई है तो उसके फ्लो को क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, यानी जो चार्ज के फ्लो को अपोज करे, उसके मोशन को रोक के, वो आपका कराएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, यह हमेशा सीरीज के अंदर काउंट होता है। अभी अगले टॉपिक्स के अंदर हम बात करेंगे इस चैप्टर में कि सीरीज और पैरेलल में क्या होता है, तब आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो एमिटर दिखता कैसे है, मैं आपको इसकी एक फोटो दिखा देता हूं ताकि आपको लैब के अंदर आप अच्छे से पहचान कर लेंगे कि ये एमिटर होता है। अब देखो बच्चों ये होता है आपका एमिटर, ठीक है। ये बीच में जो आपका ए है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये होता है आपका एमिटर। ये जो रेड वाला है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और जो ब्लैक वाला है आपका ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है आपके करंट को मेजर करने के लिए। और बात करें हम इसके सिंबल की, तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है बच्चों, ये बीच में ए होता है, एक तरफ इसके पॉजिटिव साइड होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है, और एक इसका नेगेटिव होता है जो इसके नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। अगर हम इसको सर्किट में जोड़ें तो किस प्रकार जुड़ेगा देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा बल्ब है बच्चों, यहां पे हम एक बैटरी लगा देते हैं, और यहां पे हमारा एक स्विच होता है, ठीक है। तो देखिएगा ये जो खाली जगह है हम इसके अंदर हमारा ये एमिटर लगा देते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। अब एमिटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा बच्चों, ठीक है। अब ये जो आपका बड़ा जो डंडा है ये पॉजिटिव साइड को शो करता है, और जो छोटा जो डंडा होता है ये नेगेटिव साइड को शो करता है, ठीक है। अब इसका जो नेगेटिव साइड है वो नेगेटिव हिस्से से, और पॉजिटिव साइड जो है वो पॉजिटिव हिस्से से अटैच होता है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको एमिटर का समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं कि जो सर्किट है उसके अंदर करंट आगे फ्लो किस प्रकार करता है, क्या उसमें कंडीशंस होती है कि करंट उसके अंदर से फ्लो करने लग जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे करंट मूव किस प्रकार करता है। जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक जो मेटल्स होती है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो एक यूनिक डायरेक्शन नहीं होती है, हम कहें कि उनकी परमानेंट को डायरेक्शन नहीं होती है। अगर इनकी एक परमानेंट डायरेक्शन हो जाए तो हम उसे बोलेंगे करंट। तो अब हम इसको परमानेंट करेंगे किस प्रकार, तो इसके लिए हम एक इसमें डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। डिफरेंस किस प्रकार क्रिएट करेंगे यानी कैसे मूव करेंगे, इसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलते हैं, बिल्कुल आसान सा। देखिएगा हमारे पास दो कोई भी बीकर है, मान लीजिएगा और इनमें दोनों में ही पानी का लेवल हम बराबर कर देते हैं,
इस बीकर को हम ए नाम देते हैं, इसको हम बी। तो क्या अब बच्चों ए बीकर में से पानी क्या बी बीकर में जा सकता है? नहीं जा पाएगा, क्योंकि दोनों बीकर के अंदर क्या है, लेवल बराबर है। उसी प्रकार इनके अंदर अभी क्या है, कोई और फोर्स नहीं है, इनका पोटेंशियल सभी का क्या है, बराबर है, इसलिए एक जगह से ये आगे मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें कि इसका पानी इधर चल जाए या फिर बी का पानी ए के अंदर आ जाए? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो लेवल है, बी का जो लेवल है, हम उसको कम कर देते हैं। ठीक है, हम उसके लेवल को यहां तक कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ए बीकर से पानी बी बीकर में आसानी से आ सकता है, क्योंकि अब हमने इसमें क्या किया, एक हमने डिफरेंस क्रिएट कर दिया ये। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया है, डिफरेंस क्रिएट कर दिया। इसी डिफरेंस की वजह से ये जो पानी होगा इसके अंदर बी के अंदर फ्लो कर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार हमने चार्ज को अगर मूव करवाना है, उन चार्ज को करंट का रूप देना है, तो इसको एक परमानेंट डायरेक्शन के अंदर ही हमने करवाना पड़ेगा, इसको हमने पोटेंशियल देना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें करवाना पड़ेगा। वो कैसे, तो हम इसको एक बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। देखो जो इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होकर आएगा। ठीक है, तो ये चार्ज इधर मूव करेगा, और इधर जो नेगेटिव टर्मिनल है तो इसके जो पास का जो एंड रहेगा वो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, और जो ये आगे रहेंगे वो भी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब इनकी डायरेक्शन क्या हो गई है, सभी की एक डायरेक्शन हो गई है, तो हम इसको बोलेंगे करंट। ये कब हुआ, जब हमने इसके पोटेंशियल को, जो इसका डिफरेंस है उसको हमने आगे बढ़ाया है। ठीक है, पहले इसमें कोई एनर्जी नहीं थी, चार्ज था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन उसके पास में वो एनर्जी नहीं थी, वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो आगे वो अपने आप मूव कर सके। जब हमने इनको यहां से एनर्जी दी तो इन्होंने क्या किया, एक वर्क किया। क्या किया, वर्क। एक जो चार्ज है वो एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इसको पोटेंशियल प्रदान किया। आप देखते हैं आपके जो फोन की बैटरी है, आप उसका यूज करेंगे तो उसकी बैटरी कम हो जाती है। ठीक है, उसकी पावर लो हो जाती है, आप उसे फिर से चार्ज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो चार्ज होता है उस बैटरी को दोबारा से फुल चार्ज कर देता है, क्योंकि जो उस बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल है वो कम हो गया था। उसको जैसे हमने बीकर में पानी हम और डाल देंगे डिफरेंस क्रिएट करने से, वैसे ही जब बैटरी डाउन हो जाती है तो हम उसको प्लग करेंगे तो उसमें चार्ज और आ जाएगा, लेकिन जब बैटरी की चार्ज की कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो उसकी चार्ज लेने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, आगे से रुक जाएगी, क्योंकि हम किसी भी वस्तु के अंदर उतनी ही अमाउंट डाल सकते हैं ना जितनी वो ले सकती है। तो ये रहेगा आपका चार्ज का, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अब आगे आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, बैटरी की सहायता से इसमें कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। ठीक है, तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या मतलब कि यहां से मान लो कोई भी चार्ज है, उसको यहां से हम लेकर गए हैं, यहां से हमने उसको मूव करवाया है किसी दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, जैसे हम उदाहरण लें कि हमारे घर में जो स्विच बोर्ड है, ठीक है, जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो जो अप्लायंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल फैन ही लेकर चलते हैं, तो जैसे हम फैन वाला जो स्विच है उसे हम ऑन करेंगे तो फैन मूव करने लग जाता है, क्योंकि जो स्विच बोर्ड के पास में जो की थी उसके अंदर से क्या होता है, पोटेंशियल हाई है, और वहां से जो फैन की तरफ पोटेंशियल क्या है, लो है। तो उस स्विच से क्या होगा, चार्ज मूव करके जाएगा फैन की तरफ, तो जिससे जो भी उसका सर्किट का जो बीच में पाथ है उसमें जो भी चार्ज है उनको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, एक परमानेंट उनकी डायरेक्शन हो जाएगी, तो वो आगे उस फैन की जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर जो उसके अंदर लगी हुई है, उसको क्या करेंगे, वो रोटेट करवाएंगे। ठीक है, तो चार्ज स्विच बोर्ड से किधर ट्रांसफर हुआ, फैन के पास में। तो उसी प्रकार
तो वर्क डन हुआ। ठीक है, साइंस के अंदर जब भी कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होती है तो उसे हम वर्क के अंदर कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें फोर्स भी लगा है, क्योंकि चार्ज ने क्या किया, पीछे से एनर्जी प्रोवाइड की है, तो उसमें फोर्स लगा है ना। तो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से लिखते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन में चार्ज, क्योंकि कार्य किया गया है चार्ज को मूव करवाने में। ठीक है, मैथमेटिकल हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, डब्ल्यू अपॉन में क्या हो, और जो W होता है वर्क होता है, वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों, वो होती है जूल। ठीक है, और चार्ज की क्या होती है, वो होती है आपकी कुलूम। ठीक है, इसे हिंदी में कुलाम भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसकी एक यूनिट तो हो गई आपकी जूल पर कुलाम, और जो आपकी जूल पर कुलाम होती है बच्चों, मैं इसको रेज कर रहा हूं, जूल पर कुलाम वो वी के बराबर होती है। अब ये भी क्या है, ये भी है वोल्ट, VOLT, ये पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट है वोल्ट। ठीक है, ये तो हमने निकाली है फार्मूले के फार्मूले से, और ये होता है आपका जूल पर कुलाम होता है आपका V के बराबर में, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, V। अब आप दोनों इन दोनों V के अंदर डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसके आगे उसकी ऐसा यूनिट लिखी मिलेगी, जैसे कि मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ में, फॉर एग्जाम्पल 5V, 3V, 10V, तो ये जो V है ये ऐसा यूनिट है वोल्ट, और 10 क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर कहीं पे ये लिखा मिले आपको 10V, तो उसका मतलब रहेगा कि उस चीज का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है आपका 10 वोल्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे करते हैं, जिस प्रकार करंट को हम मेजर कर रहे थे बच्चों एमीटर से, उस प्रकार जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है, वोल्ट मीटर, ठीक है, इसमें और एमीटर में फर्क कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ उसमें हम क्या लिख रहे थे, यहां पे A लिख रहे थे, इसमें हम V लिखेंगे, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, मैं ये भी आपको दिखा देता हूं कि दिखने में कैसा, सेम उसी का जैसा होगा, सिर्फ उसमें A था और इसमें V है। देखो बच्चों, इसमें V है और उसके अंदर यहाँ पे A था, बाकी इसमें भी पॉजिटिव टर्मिनल रेड है और नेगेटिव पर हमारा ब्लैक है। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, देखिएगा, इट इज हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। एमीटर जो था वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस था, वोल्टमीटर आपका हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। इट इज ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, एमीटर आपका सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है। देखिए हम इसको सर्किट के अंदर किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे वो आपको दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, ये जैसे हमारा सर्किट है तो हम इसके अंदर क्या लगाते हैं, वोल्टमीटर को ऐड करेंगे, लेकिन जो ये वोल्टमीटर होगा ये पैरेलल के अंदर हम इसको लगाएंगे। पैरेलल में कैसे, हम इस बल्ब के दोनों ओर इस वोल्टमीटर को लगा देंगे, एक तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, एक तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। ठीक है, तो ये हम इसको नीचे भी लगा सकते हैं, हम इसको इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस, ऊपर और नीचे हम इसको दोनों तरफ लगा सकते हैं। ठीक है, याद रखना। अब इसमें होता क्या है, इसका जो वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में अटैच होगा,
और जो नेगेटिव टर्मिनल है बच्चों उसका नेगेटिव टर्मिनल के साथ में अटैच रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, उसमें हमारा रेजिस्टेंस, करंट, वोल्ट मीटर फिर से दोबारा होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट्स आए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।